नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। बैराड़ में भारतीय किसान संघ द्वारा बुधवार को दोपहर 12 बजे बलराम जयंती मनाकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के नाम तहसीलदार बैराड़ को ज्ञापन सौंपा। भगवान बलराम के जीवन तथा कर्मों पर उद्बोधन देते हुए तहसील अध्यक्ष ब्रजेश धाकड़ ने कहा कि भगवान बलराम ने उबड़ खाबड़ जमीन को खेती योग्य बनाया, समाज में चेतना जागृत कर संघर्ष तथा परिश्रम करने की प्रकृति का निर्माण, नव सृजन के लिए अच्छी व उन्नत खेती, बीज संरक्षण, जल संरक्षण और खेती का आधार गौपालन की शिक्षा दी। इस अवसर पर तहसील मंत्री योगेश वर्मा, जैविक प्रमुख केशव यादव, युवा वाहिनी अध्यक्ष शिव सिंह यादव, नगर अध्यक्ष राजकुमार रावत, सहमंत्री दामोदर टोड़ा, राजेंद्र किरार जौराई भी उपस्थित रहे। क्या मांगे हैं, क्या करते हैं? एक तो पहली सर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज भारतीय किसान संघ का प्रदेशव्यापी ज्ञापन दिवस, आज के दिन भारतीय किसान संघ पूरे देश में एक साथ किसानों की खेती की जो भी समस्या है उनको लेकर केंद्र व राज्य सरकार दोनों को ज्ञापन देगा। कुछ इसमें तुम्हारी प्रमुख मांग है अपनी किसान की लागत को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। दूसरी मांग है कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि किसान अपनी खेती में काम करता है उसकी वहाँ मजदूरी स्वयं की खेती पैसा। सात सूत्री मांग अपनी केंद्र सरकार को है और 18 सूत्री मांग है राज्य सरकार। खबर समय जगत के लिए बैराड़ से ललित मुगदल की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।